हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रमोद पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज आपको हम सिखाएंगे बोर्ड बनाना। हमारे फ्रेंड्स ने बोर्ड बनाने के लिए 3 साकेट 5 स्विच का बोर्ड बनाने के लिए मैसेज किया था, तो आज हम उनके लिए बोर्ड बनाते हैं। और ये साकेट स्विच है जो आपको ऐसे लाना होगा मार्केट में, जो कि मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ये स्विच है सोनम की, ये रेगुलेटर, ये होल्डर और ये पावर स्विच। तो फ्रेंड्स, इसका हम कनेक्शन करके दिखाते हैं कैसे कनेक्शन करते हैं। ओके, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, तार का टुकड़ा लीजिए। ऐसे ऐसे मैंने काट के रखा था पहले कि ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, तो आप आसानी से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो आप लोग आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं स्विच सॉकेट। मैंने इसको पहले से टाइट कर लिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको अच्छे से टाइट कर लेना है बोर्ड में, और इसके बाद आपको कनेक्शन करना है। कैसे कनेक्शन करते हैं, मैंने ये एक वायर को 2 स्विच में ज्वाइंट कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं इसको अच्छे से अंदर मतलब बैठा के बढ़िया अच्छे से टाइट कर लेना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कनेक्शन अच्छे से करना, कोई जल्दबाजी मत करना, सावधानी से। तो आप देख सकते हैं ये मैंने नीचे का पॉइंट और ऊपर वाला स्विच, जो स्विच लगा हुआ है, इसको एक साथ ज्वाइन कर रहा हूँ दोनों। ये है हमारा फेस का, तो इसको मैंने इसमें डाल दिया, और ये वाला स्विच भी अच्छे से टाइट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आप लोग इसको ऐसे मोड़ देना ताकि मतलब तार बाहर निकले ना, एक दूसरे में टच ना हो, ये ध्यान रखना। ज़्यादा मत काटना, थोड़ा थोड़ा छील के और थोड़ा ही लगाना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। मैंने एक तार का टुकड़ा लिया और इस पॉइंट से मैंने ऊपर वाली सॉकेट को, स्विच को मतलब सॉरी ऊपर वाली स्विच को अटैच कर देना है, ताकि आप इसको अच्छे से 2 टुकड़ा लेके काट लेना है और दोनों एक दूसरे को मतलब छोड़ दे, सेट कर देना है कुछ इस तरह से, ताकि मतलब आसानी हो जाए लगाने के लिए। तो आप ये वाला वायर यहाँ स्विच के नीचे वाले पॉइंट में लगा देना है कुछ इस तरह से, दूसरा पॉइंट इधर लगा देना है, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने लगा दिया। अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, मेरा नीचे का जितना स्विच था, स्विच में पॉइंट मतलब सब अटैच हो गया है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब हमें करना क्या है, सॉकेट का पॉइंट देना है, मतलब सॉकेट का कनेक्शन करना है। चारों सॉकेट कैसे कनेक्शन करते हैं आप ये ध्यान रखिएगा, चारों सॉकेट का कनेक्शन करना है। एक पॉइंट लेके हमको यहाँ पे डाल देना है, और ताकि ये ऊपर वाले सॉकेट के पॉइंट में जा सके, तो ये हमको ऊपर वाले सॉकेट के पॉइंट में डालना है। ओके फ्रेंड्स, और ये वाला पॉइंट उठा के हमको सॉकेट के बाहर वाले पॉइंट में टाइट, मतलब आप एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी पॉइंट बांधना बाहर वाले पॉइंट में ही अटैच करना है। अंदर वाला स्विच जो है, पॉइंट जो है, वो आपको कनेक्शन करने के काम आएगा। बाहर वाला हमारा कनेक्शन हो रहा है कुछ इस तरह से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप कुछ इस तरह से फिर एक पॉइंट यहाँ पे डालना और चौथी सर्किट के टर्मिनल में बांध देना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने कैसे कैसे क्या किया है, तो आप आसानी से इसको देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए, और तार को बाकायदा एक जगह मतलब सेट करके रखना, ताकि बड़ा मत काटना। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया,
अभी हमारा सर्किट का कनेक्शन हो गया है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं सर्किट का कनेक्शन। अब हमको क्या करना है, पॉइंट पॉइंट डालना है। कैसे, मतलब स्विच वर्क करेगी उसके लिए, स्विच कैसे वर्क करेगी उसके लिए हमको कनेक्शन करना है, देखना है स्विच चल रही चलेगी कैसे। तो हमको सर्किट के इस पॉइंट में उठा के और स्विच के ये वाली पॉइंट में इसको अटैच करना है। अभी हमको ये वाला पॉइंट यहाँ पे बांध दिया, मतलब टाइट कर दिया। और जब भी बांधना फ्रेंड्स, इसको पॉइंट को टाइट करना ताकि स्पार्क ना करे, मतलब लूज मत छोड़ना। तो मैंने इसको यहाँ पे बांध दिया है फ्रेंड्स। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें ताकि कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमको पता चले कि हाँ आप लोगों को क्या पसंद है, कैसे बोर्ड बनाना चाहते हैं। आप कैसा भी बोर्ड बनाना चाहते हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपके लिए कोशिश करेंगे वो वीडियो लाने के लिए। ये हमारा सर्किट का कनेक्शन हो गया है। अब हमारा तीसरे सर्किट का कनेक्शन करना है। देख सकते हैं कैसे कनेक्शन हो रहा है। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप तुरंत मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। आप हम इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता चले कि हाँ आप कैसा वीडियो चाहते हैं, आपको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। मतलब आपको हमको वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है, मतलब अच्छा लगता है आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो। तो ये हमारा सर्किट का कनेक्शन हो रहा है, आप देख सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग ध्यान दे के सीख सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये हमारा सर्किट का कनेक्शन चालू है, तो आप देख सकते हैं बाकायदा आपको ये वाला पॉइंट उठा के सारे स्विच के इस पॉइंट में डाल देना है, स्विच के इस पॉइंट में टाइट कर देना है। ओके, आप देख सकते हैं मेरा स्विच और सर्किट का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अभी हमको क्या करना है, होल्डर का कनेक्शन करना है, जो होल्डर लगा हुआ है होल्डर का कनेक्शन करना है। तो आप देख सकते हैं होल्डर का कनेक्शन कैसे करते हैं, ये बोर्ड पूरा कैसे कंप्लीट करना है। देख सकते हैं ये हमारा होल्डर का कनेक्शन हो रहा है। हम इसको मतलब सर्किट के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मैंने एक काला एक वाइट दो कलर का तार लगा रखा है इसमें। तो आप देख सकते हैं काला कैसे कैसे कहाँ कहाँ गया है। ये हमारा वाइट का पॉइंट जो वाइट कलर का लगा हुआ है। ओके, आप इसको बाकायदा अच्छे से देख लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ये हमारा सारे कनेक्शन काला पॉइंट का जो है ये वाला है, तो आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड बन के कम्प्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब इसमें थोड़ी सी कमी है फ्रेंड्स, मैंने एक वायर अभी छोड़ दिया है, उसको भी आपको दिखा देते हैं कौन सा वायर है। ये हमारा मेन वायर है जो एक सर्किट के उस पॉइंट में लगा देना है, और एक कहीं भी मतलब काला जो तार है उसके किसी भी पॉइंट में बांध देना है, ऊपर नीचे कहीं भी, मतलब सिर्फ काला वाले पॉइंट में एक पॉइंट होना चाहिए, एक पॉइंट स्विच के उसमें होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं होल्डर का एक पॉइंट छोड़ दिया मैंने, अभी उसका कनेक्शन करके दिखाते हैं, उसको भी लगा देना है। तो आप देख सकते हैं होल्डर का जो कनेक्शन छूट गया था वो पॉइंट लगा देने हैं। तो आप होल्डर में कोई भी तार लगा सकते हैं, हल्का भारी मतलब कोई भी तार चलेगा, क्योंकि उसमें बल्ब चलाना रहता है, तो कोई ज़रूरी नहीं आप बड़ा मोटा तार लगाएं, आप नॉर्मल तार भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं ये हमारा होल्डर का कनेक्शन, होल्डर का फ्रेंड्स एक पॉइंट जो है स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में बांध दीजिए, दूसरा पॉइंट सर्किट के जो हाइट वाला तार आया उस तार वाले मतलब सर्किट के इस पॉइंट में कहीं भी आप बांध सकते हैं, चाहे इस पॉइंट इधर इस किनारे बांधे, चाहे इस साइड में बांधे, चाहे नीचे बांधे, चाहे कहीं भी बांधे। हमारा कनेक्शन होकर कम्प्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बोर्ड अच्छा लगेगा। और अभी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, चला के दिखाता हूँ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
ये हमारा बल्ब लग गया है। फ्रेंड्स ये वाला स्विच हमारा पंखे का है और ये वाला पॉइंट बल्ब का है। ठीक, आप देख सकते हैं हमारा पॉइंट वर्क करने लगा है बोर्ड। फ्रेंड्स हमारा बोर्ड कंप्लीट हो गया। आप हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।